गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की किल्लत और गंदे पानी की समस्या लगातार बड़ौदा शहर में दिख रही है। तब बड़ौदा महानगर पालिका के कमांड और कंट्रोल रूम में लगातार पानी की किल्लत या फिर लो प्रेशर से पानी आना या फिर दूषित पानी आना, ऐसी शिकायतें सामने आ रही है और इन शिकायतों का हल नहीं निकलने पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल से भी बात की गई है। आपको बता दें कि सिर्फ कारलीबाग पानी की टंकी के पास ही 1958 जितनी शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें लो प्रेशर से पानी आना, कम पानी आना या फिर पानी ही नहीं आने की जो शिकायतें हैं वो दर्ज की गई है। तब इस मुद्दे पर गर्मी के मौसम में जो मुख्य स्रोत है पानी, उसके मुद्दे पर खास तौर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। अमे पोते अने अमारी कमिटी जे पानी पुरवठानी कमिटी छे एना माध्यम थी अने एक सेल छे आ तमाम नी निगरानी नीचे छेल्ला केटलाक समय थी आपने एक सेल उभो कर्यो छे अने केटलाक जे खरेखर पानी नथी पहोंचतुं एवा लोकोनी फरियादो पण आवी छे एने महत्तम रीते निकाल करवानो अमे प्रयत्न कर्यो छे अने मोटे भागे केटलीक फरियादो ज्यां व्यक्तिगत प्रॉब्लम हता ए सॉल्व थया छे, क्यांक वधु प्रॉब्लम छे, वधु कॉन्टामिनेशनना प्रश्नों छे, जूना सिटी विस्तार छे ज्यां हजु पण फॉल्टना जे प्रकार छे डिफरंट प्रकारना छे एने शोधी रह्या छे अने एनो खूब झड़पथी निकाल थाय, सामूहिक रीते निकाल थाय आ दिशामां अमारो प्रयास छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।